नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल अल्ट्राटेक वर्ल्ड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीएससी का टाई अप हो चुका है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो किस प्रकार से इसका सीएसपी ओपन होगा, क्या क्या बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी, कब मिलेंगी, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर भी नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जरूर से विजिट कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। तो सबसे पहले डिजिमेल में चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीमेंट साइन बिटवीन सीएससी एसपीवी एंड एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे 4 तारीख की डेट में जो है एग्रीमेंट साइन हो चुका है और यहाँ पे वेली भाइयों को जो है सीएसपी देने की बात की गई है। तो यहाँ पे आप जो वेबकास्टेड लाइव प्रोग्राम था वो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये वीडियो और पूरी बात समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है एचडीएफसी बैंक सर्विस प्रोवाइड करेगी रूरल एरियाज में। तो ऐसा हुआ इसमें आपको जो है यदि आप अर्बन से बिलोंग करते हैं तो फिर भी सीएसपी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सीएसपी किस माध्यम से मिलेगा उसका क्या प्रोसेस रहेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कराया जाएगा या ऑफलाइन, सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट करना है क्योंकि जो आपको सीएसपी मिलेगा तो उसकी रिपोर्ट उन्हीं को देनी होगी और ये सीएसपी उनको दिया जाएगा जिन्होंने डीजी पे पे बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन किए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, या फिर वो सीएससी से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जो लोग कम काम करते हैं या जिन्होंने कम ट्रांजेक्शन किए हैं या जिन्होंने अभी तक डीजीपे का ही यूज नहीं किया है उनको सीएसपी नहीं दिया जाएगा। एलिजिबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने ट्रांजेक्शन अधिक मात्रा में किए हों। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने वालों को ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एक आपको फॉर्म देगा, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना होगा और कुछ फीस रहेगी, अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 6,500 रुपये फी रहेगी। ये पेमेंट करने के बाद में आपको जो है सीएससी एसपीवी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों से सम्मिलित एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जो आपको कायोस्क एचडीएफसी में लॉगिन करना होगा। वहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे, करेंट अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, विड्रॉ डिपॉजिट ये सब, और बाकी सभी सेम सर्विसेज होंगी जो भी आपको सर्विसेज मिलती हैं किसी भी सीएसपी में सेम इसमें भी होंगी। तो प्रोसेस यही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ साइन हुआ है एग्रीमेंट, अभी सीएसपी देना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी भी आपके पास वक्त है। कुछ ऐसी सर्विसेज का यूज कीजिए जो आपके काम आए, लोगों के काम आए और आप अच्छे से अच्छे ट्रांजेक्शन कर पाएँ। तो अभी आप सीएससी का यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की सीएससी जो है बंद भी हो चुकी है जिन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं किया या जिनका मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये से कम था, तो वो स्टार्ट करने के लिए भी आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। और भी तरीके यूट्यूब पे आ रहे हैं लेकिन वो सारे गलत हैं, फेक हैं, तो वहाँ पे यदि आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है या फिर आपका सीएससी ओपन वाला है ही नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इसीलिए बनाए गए हैं आपकी समस्याओं का हल करने के लिए। उनका कॉलिंग नंबर निकालिए csc.gov.in से और csc.gov.in और उसके बाद में उनको कांटेक्ट कीजिए या डिस्ट्रिक्ट में जाके डायरेक्ट उनके ऑफिस में ई गवर्नेंस ऑफिस में जाके कांटेक्ट कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। तो यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मेरे कहने का तात्पर्य यही था, जो लोग सीएससी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं उन्हीं को जो है सीएसपी मिलने वाली है और ये सीएसपी कम मात्रा में रहेंगी तो सभी को मिलना संभव नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो उस पर भी विजिट कीजिए, वीडियोज़ को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद।